हमारे बीच में परमादरणीय श्रद्धेय श्यामदेव आचार्य जी पधार रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ। आपसे अनुरोध है कि अपने दाहिनी तरफ आप अपने दाहिनी तरफ बैठ जाइए। सभी साथियों के साथ आपसे श्यामराज जी आप इस वाले में आ जाइए, लोगों को पीछे करवा देंगे, धीरे धीरे आ जाइए, आप चले जाइए बॉस। धीरे धीरे इंतजार की वो घड़ियां समाप्त होती वाली हैं और मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच में माननीय मंत्री विधायी एवं न्याय अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राजनीतिक पहचान उत्तर प्रदेश परमादरणीय श्रद्धेय श्री ब्रजेश पाठक जी मंचासीन हमारे बीच हो चुके हैं मंच पे और हम दिल की गहराइयों से तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं माननीय मंत्री महोदय जी का। और साथ ही साथ हमारे बीच में महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी हमारे बीच पधार चुकी हैं, मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं अपने महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी का और परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का। और धीरे धीरे वो पल वो क्षण करीब आता जा रहा है जिसका आप सभी को इंतजार बेसब्री से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कारों का काफिला प्रस्थान कर चुका है और बस कुछ ही लम्हों में अपने उस विशाल प्रांगण की तरफ अग्रसर हो रहा है। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय Thank you.
पहले आ जाया करो 9 बजे एक बार पुनः आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि मंच के यानी कि आप लोगों के बाईं तरफ जो स्थान है वो हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और छायाकार बंधुओं के बैठने की व्यवस्था के लिए आरक्षित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वो स्थान को खाली कर दें। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, अनुरोध है कि हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के लिए और सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं के लिए वो स्थान खाली कर दें, क्योंकि आप लोग मंच की तरफ मुंह करके खड़े हैं,
आपके बाई तरफ और हमारे दाहिनी तरफ जो स्थान है वो हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का है, छायाकार बंधुओं का है। तो इसलिए हमारे जो भी दर्शक बैठे हैं, जो भी सम्मानित जन बैठे हैं, वो कृपया वो स्थान खाली कर दें। हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं को असुविधा हो रही है, उनको बैठने के लिए स्थान दें। सभी से अनुरोध है, आपके बाईं तरफ आगे की तरफ जो स्थान है वो हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो कृपया आप वो स्थान खाली करके पीछे लगी हुई कुर्सियों पे अपना स्थान खाली कर दें, बैठ जाएं आप, वो स्थान खाली कर दें, वो रिक्त स्थान। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बस कुछ ही लम्हों की बात है और वो इंतजार बस धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का काफिला चल पड़ा है और बस उस मार्ग के रास्ते बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और आपके बीच में आज के इस भव्य समारोह का वो लोकार्पण समारोह आप तक पहुंचाया जाएगा, सोपान दर सोपान। और आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाइए और बैठ के कार्यक्रम का आनंद लीजिए। ये कार्यक्रम आप ही के लिए आयोजित किया गया है, आप ही की सुविधाओं को देखते हुए हमारे प्रदेश का ये पहला बस टर्मिनल अपनी बहुत सारी सुविधाओं के साथ परिपूर्ण है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। इतिहास में इतना भव्य, खूबसूरत और अपने सभी सुविधाओं के साथ लैस कोई भी अभी बस टर्मिनल अभी तक नहीं बना। ये पहला ऐसा बस टर्मिनल है जो अपनी खूबसूरती के साथ अपने कामों के माध्यम से भी जाना जाएगा। ये वो स्थान है जहां से लॉन्ग डिस्टेंस की बसें आएंगी और जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इस बस स्टैंड, जो कि पहला बस स्टैंड है जिसको कि सीधे मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है, इट मीन्स कि कनेक्टिविटी विद द मेट्रो स्टेशन। दिस इज द फर्स्ट बस टर्मिनल और आपकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की पूरी सुविधा और आपके बैग स्कैनर और पूरी तरह की आपकी कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी। किसी भी प्रकार की आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और 24 घंटे सातों दिन बिना किसी विलंब और रुकावट के यहां से आपकी बसें आएंगी और जाएंगी। सभी लंबे लंबे रूट के लिए यहां से बसें आप तक पहुंचाई जाएंगी। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लखनऊ की सरजमी, या यूं कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे स्टेट के लिए। और हमारे यहां से सभी वोल्वो स्कैनिया बस और साथ ही साथ जनरल बसों में जनरल
बसें यहां से चलाई जाएंगी और इस बस स्टैंड में भूमिगत पार्किंग की भी सुविधा आप तक पहुंचाई गई है। और 500 और डरी बसें भी यहां से चलाई जाएंगी जो कि कानपुर ऑनवर्ड यानी कि आगरा मथुरा होते हुए उधर जाएंगी और दूसरे में वाराणसी आजमगढ़ होते हुए यानी कि पूर्व व पश्चिम का बसों के माध्यम से संगम बहुत सारी सुविधाओं के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी यहां से बसों के माध्यम से तय की जाएगी जिसमें कि आपके पूरे स्टेट दिल्ली गोरखपुर बनारस आगरा जयपुर अजमेर तक ये सुविधा प्रदान की गई है। हेलो 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 ठीक है हेलो हेलो Thank you.
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कारों का काफिला हमारे इस स्थान पर पहुंच चुका है। और आप सभी से अनुरोध है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आपके समक्ष हो, खड़े होकर लगातार तालियों के माध्यम से तब तक उनका अभिनंदन वंदन स्वागत कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मंच पे अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐतिहासिक दिवस है और ये तोहफा, ये उपहार हमारे समाज के जन जन तक को समर्पित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से। और वो इंतजार की घड़ियां, वो पल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में परमादरणीय श्रद्धे यशस्वी हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के बीच में लगातार तालियों के साथ खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, लगातार तालियां, तालियों के साथ स्वागत। जी हां, और आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। आज ये ऐतिहासिक दिवस हम सभी के बीच में, ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आज के इस भव्य और ऐतिहासिक दिवस का ये शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम की ये रूपरेखा हम आप तक लेके आ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। आज हमारे इस पीपीपी मॉडल शालीमार कॉर्प द्वारा निर्मित हमारा अत्याधुनिक आलमबाग बस टर्मिनल के आज इस भव्य लोकार्पण समारोह में पधारे आप सभी माननीय गणमान्य अतिथिगणों का मंचा से, हमारे समस्त अतिथियों का, सभी दर्शकों का, हमारे विभाग से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मैं डॉक्टर अनीता सहगल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ आज के इस ऐतिहासिक पर्व पर, जो कि वाकई में एक उत्सव के समान है। आज का ये दिवस जो कि इतिहास में दर्ज होने जा रहा है अपने उन उपहारों के साथ, सौगातों के साथ, बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ। तो आइए, कार्यक्रम का शुभारंभ, जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से, ये हमारी भारतीय संस्कृति और अतिथियों का स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से, जिसके लिए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन परम आदरणीय श्रद्धेय श्री स्वतंत्र देव जी से अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से स्वागत सत्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। एक बार जोरदार तालियां और स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रबंध निदेशक श्री पी गुरु प्रसाद जी और साथ ही साथ निदेशक शालीमार कॉर्प लिमिटेड श्री खालिद मजदूर जी से। और इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री कुणाल सेठ जी पुष्पों के माध्यम से, विशेष सचिव परिवहन श्री वैभव श्रीवास्तव जी से अनुरोध करना चाहूंगी, माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को पुष्प के माध्यम से उनका अभिनंदन वंदन स्वागत। इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करते हुए अपर प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी माननीय मंत्री महोदय जी को पुष्पों के माध्यम से उनका स्वागत, विशेष सचिव परिवहन श्री वैभव श्रीवास्तव जी से अनुरोध करते हुए कि हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी को पुष्प के माध्यम से उनका स्वागत सत्कार करें। अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन श्री आशुतोष अग्नोत्री जी से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर आशुतोष टंडन जी को पुष्प के माध्यम से उनका आतिथ्य सत्कार। मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपर परिवहन आयुक्त श्री अरविंद पांडे जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का पुष्पों के माध्यम से उनका अभिनंदन वंदन स्वागत। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी मुख्य प्रधान प्रबंधक श्री एचएस गावा जी से कि हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदया श्रीमती स्वाति सिंह जी को पुष्प के माध्यम से उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। श्री एचएस गावा जी स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन श्री आशुतोष अग्नोत्री जी से कि हमारे बीच उपस्थित श्रीमती संयुक्ता भाटिया। हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को पुष्पों के माध्यम से उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित प्रबंध निदेशक श्री पी गुरुप्रसाद जी, ये बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन श्री आशुतोष अग्नोत्री जी, श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी हमारे महापौर लखनऊ, अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से। और एक बार पुनः पुष्प देते हुए हमारे बीच उपस्थित बलदेव सिंह ओलख माननीय मंत्री सिंचाई एवं अल्पसंख्यक, अपर प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी से अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी को पुष्प के माध्यम से उनका स्वागत सत्कार करें। मुख्य प्रधान प्रबंधक श्री एच एस गावा जी से अनुरोध है हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी को पुष्प के माध्यम से उनका आतिथ्य सत्कार करें। स्वागत की इसी कड़ी में क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ श्री पल्लव बोस जी से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री सुरेश श्रीवास्तव जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। और हमारे बीच उपस्थित विधायक गौरा गोंडा श्री प्रभात कुमार वर्मा जी का अभिनंदन करें पुष्पों के माध्यम से। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपर प्रबंधक निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी से कि हमारे बीच मंचासीन स्वामी नारायण मंदिर छपिया के प्रमुख स्वामी परम आदरणीय श्रद्धेय ब्रह्मचारी स्वामी हरि स्वरूपानंदन जी का आतिथ्य सत्कार करें पुष्पों के माध्यम से। स्वागत सत्कार की इसी कड़ी के पश्चात आज का ये भव्य समारोह जो कि अपने उस सोपान पर पहुंच चुका है जो कि अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रबंध निदेशक परिवहन श्री पी गुरुप्रसाद जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जी। पीपीपी मॉडल पर निर्मित आलमबाग बस स्टेशन के लोकार्पण के शुभ अवसर पर परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस पुनीत अवसर पर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे परिवहन परिवार के मुखिया परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के मैं उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष टंडन जी, माननीय मंत्री विधायी एवं न्याय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री महिला परिवार बाल कल्याण एवं पर्यटन डॉक्टर रीता भवना जोशी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री स्वाति सिंह जी एवं लखनऊ के महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी के हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री कृष्णवर्धन सिंह, माननीय विधायक श्री सुरेश श्रीवास्तव, माननीय विधायक लखनऊ श्री नीरज बोरा जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों और उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीपीपी मॉडल पर से तैयार किया सर पहला बस स्टेशन है कि जो उत्तर प्रदेश का है सर। सर इसमें बहुत सारी सुविधाएं और बहुत उच्चतर के तकनीक जो है यहां पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है सर। ये पहला मल्टी मॉडल बस स्टेशन है कि जहां पे सीधा मेट्रो से हमारा बस अड्डा जुड़ा हुआ है सर। यहां पे एक साथ में 50 बस को यहां पे खड़ा करने के लिए 50 प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हम लोगों ने दी है सर। सर ये पहला बस स्टेशन है जहां पे हम लोगों ने 50 बसेस की अंडरग्राउंड पार्किंग की हम लोगों ने व्यवस्था की है सर। और जितने भी सर यहां पे काउंटर्स बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहां पे
अच्छे उच्चतर के टेक्निक के सर हम लोगों का सिग्नलिंग सिस्टम हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है सर। यहाँ पे जो यात्री आते हैं सर उनके लिए एसी वेटिंग हॉल्स की व्यवस्था हम लोगों ने किया है सर, और अच्छे उच्च स्तर के क्वालिटी के फूड कोर्ट्स की व्यवस्था की है सर। जो प्लेटफॉर्म्स पे भी सर कूलिंग के लिए एटमाइजर की पहली बार हम लोगों ने व्यवस्था की है सर। सर हमेशा सर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रमों में निर्देश यही रहे कि जो बस अड्डे भी है वो हवाई अड्डों की तरफ से दिखना चाहिए सर। आपके इस निर्देश के क्रम में सर एक शुरुआत है सर, पहला बस स्टेशन हम लोगों ने पीपीपी के माध्यम से आज लोकार्पण करा रहे हैं सर, और आपके निर्देश के क्रम में सर आगे भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के और बस स्टेशन को उच्चतर सुविधा देंगे सर। इस कार्यक्रम के अवसर पर सर मैं परिवहन निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तरफ से सर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सर प्रदेश की आम जनता को सिर्फ सहज सुलभ सुरक्षित एवं आरामदेह सेवा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयत्नशील करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री पी गुरु प्रसाद जी स्वागत उद्बोधन और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा से आपको अवगत करा रहे थे। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महिला कल्याण परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। उत्तर प्रदेश के विकास की का एक नया आयाम देने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये अत्याधुनिक बस टर्मिनल के आज आलमबाग में उद्घाटन के सबसे बड़े रचयिता हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे अपने ही लखनऊ के विकास के एक एक ईंट रखने वाले परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह शर्मा जी, आशुतोष टंडन जी जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री विदेश पाठक जी, भाई महेंद्र सिंह जी जो हमारे स्वतंत्र प्रभार के स्टेट मिनिस्टर हैं, सरदार बलदेव औलख जी, आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी MP हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी जो कि लखनऊ के बहुत ही जाने माने राजनेता और समाज सेवी हैं, डॉक्टर नीरज बोरा हमारे विधायक, आदरणीय मुकेश शर्मा जी नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और स्वाति सिंह जी जो हमारे साथ विभाग में और अलग से भी कई विभागों की मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, और इन सब के साथ हमारे बीच हमारी प्रथम नागरिक जिन्होंने लखनऊ में महिलाओं का पहली महिला महापौर बन के महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है बहन संजोक्ता भाटिया जी उपस्थित यहाँ पर, आदरणीय महंत जी, नीरज जी, उपनिदेशक गुरु प्रसाद जी और उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु और सभी अधिकारीगण। मैं इस अपने विधानसभा में चार भाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और सत्येंद्र देव जी को और परिवहन मंत्री जी को उनके पूरे विभाग को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपने एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कदकमलों से कराया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताऊं 1857 की क्रांति ऐतिहासिक क्रांति की ये गवाह है धरती, ये आलमबाग और ये चारबाग जिसने एक साल तक अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए, उन्हें कब्जा नहीं लखनऊ पे करने दिया, ऐसे चारबाग और आलमबाग में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वो संस्थान है जो आजादी के पहले और आजादी के बाद व्यापार का बड़ा स्थान रहा है, व्यापार का केंद्र रहा है, व्यापारी आए हैं और गए हैं यहाँ से, बड़े बड़े यहाँ पर व्यापारियों का अड्डा रहा। जब भारत और पाकिस्तान बना बंटवारा हुआ देश का, तब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में विस्थापितों को अगर कहीं बसाया गया तो इसी चारबाग की धरती पे बसाया गया। तो ये चारबाग
हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की इतिहास की गवाह है और इसमें लगातार आपके आशीर्वाद से निरंतर यहाँ का विकास हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि कई वर्षों से लंबित हमारा सरकारी अस्पताल 50 शैया का जो कि यहाँ पर बनना था वह किसी कारणों से रुक गया था, पर आपके सहयोग से, आदरणीय दिनेश शर्मा जी के सहयोग से, आदरणीय राजनाथ जी के सहयोग से आज वह स्वीकृत हो गया है और शीघ्र उसका शिलान्यास होगा जो कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। इसी प्रकार मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अमृत योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने पौने 200 करोड़ रुपए में हमारे आलमबाग के 7 वार्डों के लिए सीवर लाइन की स्वीकृति कर दी है, टेंडर हो गया है और किसी भी दिन काम शुरू होगा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारी महापौर जी, मैं, हमारा पूरा मंत्रिपरिषद इस बात का गवाह है कि इस क्षेत्र को पूरे लखनऊ के साथ अच्छी तरह से विकसित करना है। ये सबसे लो लाइंग एरिया है, सबसे निचले स्तर का एरिया है, इसलिए जब भी बारिश आती है तो सबसे ज्यादा जल भराव यही होता है। इसके लिए स्ट्रांग वाटर ड्रेन के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि रेलवे के माध्यम से भारत सरकार ने इस पूरे चारबाग एरिया का क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है, धन भी आवंटित हो गया है और टेंडर्स भी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, मैं उन सबको आश्वस्त करती हूँ कि आपके हितों की रक्षा हमारी सरकार करेगी, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, ये श्रमशील लोगों की सरकार है और शीघ्र ही इस पर हम लोग व्यवस्थाएं बनाएंगे। मैं बस इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रगति का, उसको विश्व के सबसे सुदृढ़ आर्थिक शक्ति बनाने का आधार डाल दिया है। आप जानते हैं कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है, अगर यातायात नहीं है तो कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है देश। इसलिए हमारी एनडीए की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सबसे बड़ा जाल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था उसको पूरा करेंगे। और आज पिछली सरकार 12-13 किलोमीटर प्रतिदिन बना रही थी हाईवे और गडकरी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के, 40 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है और पूरे देश को जाल से जोड़ दिया जा रहा है। इसी तरह से हमारे जो समुद्री यातायात है उसको प्रोत्साहन शिपिंग को मिल रहा है और इसी तरह से हवाई भी यातायात को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। तो एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, यही विकास की सबसे बड़ी बात है। मैं स्वतंत्र देव सिंह जी को धन्यवाद दूंगी, अति आधुनिक केंद्र के आपने चारबाग का सौंदर्य नहीं बढ़ाया, लखनऊ का की आवश्यकताओं की पूर्ति ही मात्र नहीं की है बल्कि विकास का एक नई ईंट रखी है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रीगणों का और सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री महिला कल्याण परिवार कल्याण डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुगत कर रही थी। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुगत करें हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री परिवहन स्वतंत्र भार प्रोटोकॉल एवं ऊर्जा उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आलमबाग बस टर्मिनल के लोकार्पण के शुभ अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मित्रों और गरीबों के हितैषी, गरीबों के कल्याण करने की जितनी भी योजनाएं हैं, गांव गरीब किसान को खुशहाल करने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री हम सबके बीच में मित्रों बैठे हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आपसे आग्रह करूंगा एक बार तालियों के गड़गड़ाहट अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय योगी जी का स्वागत करें। मित्रों, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय आशुतोष टंडन जी, इस विधानसभा की विधायिका और आदरणीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जी,
हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय स्वाति जी, आदरणीय बलदेव ओलख जी, आदरणीय वाहन संयुक्त भाटिया जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय प्रभात जी विधायक, आदरणीय राज्यवर्धन जी मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, मित्रों, महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी का सरकार आज इस उद्घाटन के अवसर पर, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो विचारधारा दिखती है जो हम सबका लक्ष्य है, ध्येय है, उद्देश्य है और मिशन है। मित्रों, आपके सामने केवल मैं तीन नेताओं का जिक्र करता हूं। देश के अंदर जितने भी सड़कों का जाल है और प्रधानमंत्री सड़क योजना जितनी भी है, देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने इतिहास रच दिया था। मित्रों, देश के अंदर जो चारों तरफ सड़कें दिखाई देती है, केवल गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। आज देश के गौरव भाई नरेंद्र मोदी 4 साल प्रधानमंत्री देश के, और 4 साल प्रधानमंत्री के रूम में एक दिन विश्राम भी नहीं किए, एक दिन बीमार भी नहीं हुए और रात दिन हिंदुस्तान के गरीबों के कल्याण के लिए रात दिन अनवरत चल रहे हैं। मित्रों, और एक भतीजी के लिए स्कूटी की भी व्यवस्था नहीं किए और एक परिवार के लिए, उनका परिवार पूरा हिंदुस्तान है। मित्रों, इसी तरह देश के अंदर, इसी तरह राज्य के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ, मित्रों, कई बार सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री लाइन में, पिताजी हरिद्वार में, मैं दैनिक जागरण में पढ़ा कि लाइन में लगकर पिताजी बच्चों परिवार के लोगों के लिए नौकरी के लिए खड़े थे। यदि माननीय योगी जी जिंदा हैं, माननीय योगी जी परिश्रम कर रहे हैं, माननीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मित्रों, तो केवल उत्तर प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के सुरक्षा के लिए और गरीबों के आवास के लिए। आज एक एक गरीबों को आवास मिला है मित्रों, उसी के तहत आज बस यात्रा लोग करें, सुरक्षित करें, ऐसा बस स्टेशन जो कभी ना, मतलब देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर एक का बस स्टेशन, और अच्छी बसों से प्रवास करें। एक केवल गरीब, क्योंकि बस गरीब में चलता है, दूर दराज का रहने वाला गरीब, उसको बस की सुविधा मिल जाए, 24 घंटा लाइट मिल जाए, उस गरीब को बिजली का फ्री में कनेक्शन मिल जाए, फ्री में आवास मिल जाए और फ्री में शौचालय मिल जाए। मित्रों, देश ये जितने भी काम है माननीय योगी जी के आने के बाद, मित्रों, बड़े पैमाने पर हुआ है। सारथी 4, वाहन 4, मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर, पहले 2 जिला में लागू था, जब मेरी सरकार के पहले बाराबंकी केवल 1 जिले में लागू था, आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वाहन सारथी 4 लागू हो गया है। यानी लर्निंग लाइसेंस, अस्थाई लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, पता परिवर्तन, नए मोटरयान लाइसेंस का एडिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, डुप्लीकेट कंडक्टर और ई चालान, पहली बार राज्य में ई चालान की व्यवस्था है मित्रों, जिसके कारण 5,40,000 चालान हुआ। और मित्रों, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और वाहन फोर के कारण अब किसी को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। मित्रों, पंजीयन प्रमाण पत्र का द्वितीय प्रति, पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, एनओसी, स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, हाइपोथिकेशन, एडिशनल डिलीशन, वाहन डाटाबेस, मोबाइल नंबर, एक केवल अभी तक जो सुविधाएं थी बाराबंकी लखनऊ में था, अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मित्रों ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार एवजी के सरकार में परिवहन विभाग प्रॉफिट में रहा है मित्रों, और 122 करोड़ प्रॉफिट में पहली बार परिवहन विभाग दिया है। ये अधिकारी कर्मचारियों का परिश्रम है, इसी कारण माननीय योगी जी ने कहा है कि 7वां वेतन मैं जल्दी करूंगा और शीघ्र करूंगा कर्मचारियों के लिए। आज आश्वासन माननीय योगी जी ने दिया है मित्रों, इसलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, जो राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा है मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मित्रों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक इस राष्ट्र और देश के लिए जिंदा रहे, जिंदा हैं, जिंदा रहे। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में शहादत दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय में शहादत दिए। मित्रों,
भाई अध्यक्ष के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी मित्रों मोदी जी को और योगी जी को एक तराजू पर बैठा दो और राज्य के देश के नेता एक तराजू पर बैठा दो मित्रों और तब लो कि ईमानदारी से गरीबों का कल्याण कौन करना चाहता है गरीबों का सेवा कौन करना चाहता है ये पूरा राज्य तौल ले मित्रों और भ्रष्टाचार मुक्त कौन चाहता है और गुंडागर्दी मुक्त कौन चाहता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हम सबका कल्याण है मित्रों और इसी कारण ये बस टर्मिनल में आपको सौंप रहे हैं जनता को सौंपा जा रहा है कि अच्छी बसों का सुविधा लें और गांव तक सफर करें सुरक्षित रहें और ठीक ढंग से आप लोग चलें बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय वंदे मातरम जोरदार ताली पेट अंदर चेस्ट खींचा हुआ आपकी आवाज आज हम खा के कानों तक पहुंचे ऐसी आवाज मित्रों भारत माता की मजा नहीं इसको बजरंग बली की मुट्ठी का किसी को घोसा पड़े तो नानी याद आ जाए थोड़ा जोरदार भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री परिवहन स्वतंत्र प्रभार प्रोटोकॉल एवं ऊर्जा उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे जी हाँ आज का ये दिन अपने स्वर्णिम दिवस के रूप में हमारे इतिहास में दर्ज होने जा रहा है वो तोहफा वो पहाड़ वो सौगात जो कि अपनी बहुत सारी उपलब्धियों के साथ सुविधाओं के साथ परिपूर्ण होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश का ये पहला बस टर्मिनल जो कि अपने उन सभी यात्रियों के सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए आज समाज को समर्पित किया जा रहा है तो आइए वो पल वो क्षण आ चुका जिसका कि आपको अभी तक इंतजार था आज के इस लोकार्पण समारोह के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय हम सभी के पथ प्रदर्शक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि पधार कर अपने कर कमलों से और हमारे इसी सोपान की एक और कड़ी हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को एक बार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी सम्मानित कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती रीता बहुगुणा जी आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन जी आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी जिनके यशस्वी नेतृत्व में यह सारा आयोजन संभव हुआ है ऐसे परिवहन विभाग के मंत्री परम आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे यशस्वी ग्राम विकास मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी आदरणीय श्रीमती स्वाति सिंह जी हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्री सुरेश जी आदरणीय नीरज बोरा जी श्री मुकेश शर्मा जी सम्मानित सांसद श्री कीर्ति वर्धन जी हमारे सम्मानित मंत्री श्री औलख जी और लखनऊ को एक नई दिशा देने वाली हमारी यशस्वी महापौर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी यहाँ के समस्त अधिकारीगण उपस्थित महानुभाव ये विशेष अवसर है जब हम लोग एक लखनऊ के लिए जो माननीय अटल जी की कर्मस्थली है और हमारे सांसद गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सबल नेतृत्व में लखनऊ का विकास है उसके अंतर्गत मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पूरे प्रदेश की विकास की एक समग्र योजना को तैयार किया और मुख्यमंत्री बनते हुए सबसे पहला उन्होंने जो संकल्प किया वो ये कि हम जिसका शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे और शायद इसीलिए बगैर भेदभाव के कि जिसमें ईंट भी नहीं लगी होगी ऐसे तमाम कार्यक्रमों को जो जनता के हित के लिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में संचालित कराया मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक साल के अल्पकाल में माध्यमिक शिक्षा परिषद में 200 नए विद्यालयों की संरचना कराने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व में हुआ और आज परिवहन विभाग दिन प्रतिदिन जिस गति से काम कर रहा है मैं इनके मंत्री आदरणीय स्वतंत्र जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने
आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त ये बहुत बड़ा जो परिवहन के लिए जो टर्मिनल है, बस स्टैंड है, इसका इन्होंने आज लोकार्पण कराने का निश्चय मात्र सवा साल के अल्पकाल में इसका निर्माण करके किया है, और वो भी पीपीपी मॉडल पर किया है। मैं इनके पूरे विभाग को बधाई देता हूं। लखनऊ के लिए तमाम योजनाएं जो आई हैं, ये हालांकि हमारी जो यहाँ की विधायिका हैं माननीय श्रीमती रीता बहुगुणा जी, उनके कार्यकाल का ये सौभाग्य है कि उनकी मेहनत से भी यहाँ पर मेट्रो आई, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, तमाम प्रकार के नए पीने के पानी की व्यवस्था के तमाम साधन संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, पूरे लखनऊ की एक नई दिशा बदले, इसके लिए जो तेजी के साथ में यहाँ का समग्र विकास की अवधारणा आज संचालित है, मैं यहाँ के सारे माननीय जो विधायकगण मौजूद हैं, मंत्रीगण मौजूद हैं, और खास तौर से इन सब के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज यहां पर हम लोग बस स्टैंड का, बस के टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं। हम अगर जाएं तो हवाई अड्डे का स्वरूप देखें, वो भी बदल रहा है। जितनी पैसों में फर्स्ट एसी की हम लोग उड़ान उड़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में संचालित होंगे, और उन 20 जगहों से जो उड़ान होगी, यानी हम लोग जमीन पर भी बस के द्वारा, मेट्रो में हम एक तीव्र गति से सस्ती जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है उसको प्राप्त करेंगे, वही हवा में भी हम सस्ते रेट पर, कम रेट पर हम लोग हवाई सेवा का आनंद भी उठाने में सक्षम बनेंगे। ये उत्तर प्रदेश का बदलता स्वरूप है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस भी होगा, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी होगा, जहां पर उद्योगों का एक वातावरण भी होगा, जहां पर लखनऊ ऐसे शहर में आईटी सिटी का निर्माण भी जल्दी होने जा रहा है, जो स्मार्ट सिटी के रूप में यहां पर पल्लवित और पुष्टभित होगा, और जहां पर अमृत योजना के माध्यम से जल्दी ही पूरे लखनऊ का एक खाका, पूरे प्रदेश के महानगरों का जो खाका बदलने का संकल्प है, मैं सबको मिलाकर आज इस आधुनिक बस टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर एक सामूहिक रूप में साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है नेक नियति के कारण, उत्तर प्रदेश बदल रहा है दृढ़ संकल्प के कारण, और उत्तर प्रदेश की यह अवधारणा कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है जनता का है, और जनता के लिए आज जनता का सेवक उसके प्रति समर्पित है के भाव को लेकर आज जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं समझता हूं यही पहचान दूसरे दलों के या दूसरी सरकारों से वर्तमान सरकार को अलग करती है। मैं पुनः साधुवाद और धन्यवाद आज के परिवहन विभाग को देता हूं, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया। मेरी शुभकामनाएं आपके पूरे विभाग को हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। जी हाँ, और अब वो पल वो क्षण जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, हमारे आज के इस कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं पीपीपी मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक हमारा ये आलमबाग बस टर्मिनल, जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से जिसका लोकार्पण होने जा रहा है, और समाज को समर्पित करते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये सौगात, ये उपहार, ये तोहफा हमारे जन जन को दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां प्रेसिंग बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ये शिलापट से ये आवरण हटता हुआ। अघोरे भ्यो गोर गोर थरे भ्यः सर्वे भ्यः सर्व सर्वे भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपे भ्यः तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम। जी हाँ, आपने देखा लोकार्पण के साथ ही साथ हमारे बीच में वैदिक सेवा न्यास महानगर डॉक्टर श्यामलेश जी के शंखनाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने उद्बोधन के साथ जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत।
आलमबाग बस टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, बलदेव सिंह ओलक जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य सांसद श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री सुरेश चंद श्रीवास्तव जी, नीरज बोरा जी, मान्य विधायक श्री प्रभात वर्मा जी और स्वामीनारायण छपिया से यहां पर विशेष रूप से पधारे स्वामी स्वरूपानंद जी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक श्रीमान पी गुरु प्रसाद जी, परिवहन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम इस अत्याधुनिक आलमबाग बस टर्मिनल के लोकार्पण के अवसर पर लखनऊ वासियों को, लखनऊ के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और खासतौर पर प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जो यहां से विधायक भी हैं, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं कि इन सब के प्रयासों के फलस्वरूप आज स्वतंत्र देव सिंह जी परिवहन विभाग की एक अनुपम कृति प्रदेश की जनता को उपहार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए लखनऊ वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 22 करोड़ से अधिक की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है और अगर कहें तो देश की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी की खुशहाली के लिए, उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए आज जो प्रयास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने निजी भागीदारी के आधार पर पूरा करके आज से लोकार्पित कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और इस विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देते हुए कोटिशा बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विकास के लिए परिवहन की बेहतर सुविधा अत्यंत आवश्यक है। अगर हम आवागमन की सुविधा जितना अच्छा बनाएंगे, विकास उतनी ही द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश का यह पहला ऐसा बस टर्मिनल है जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है। यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रमुख स्थानों के लिए बस की सेवा तो प्रारंभ होगी ही, लेकिन एक साथ बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन मिले हुए हो उत्तर प्रदेश के अंदर, यह एक पहला प्रयास है जो हम लोगों ने निजी भागीदारी के आधार पर आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा प्रयास पिछले एक वर्ष सवा वर्ष के अंदर परिवहन निगम ने प्रदेश के अंदर किया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
जिसके बारे में आज से एक वर्ष पहले तक चर्चाएं होती थी कि कब ये शटडाउन हो जाए, कब बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन सचमुच श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने अपने नाम के अनुरूप इस विभाग को भी एक स्वरूप देते हुए आज एक लाभकारी विभाग के रूप में बदला है। एक वर्ष में 122 करोड़ रुपए का विशुद्ध मुनाफा परिवहन निगम को होना यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जबकि परिवहन निगम जैसे निगम देश के अंदर जहां कहीं भी हम लोग देखते हैं ये अपने आप में घाटे के सौदे ज्यादा साबित होते रहे हैं, लेकिन कुशल प्रबंधन और अथक परिश्रम के फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 122 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की कार्य योजना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयार की है यह एक अद्भुत है, सराहनीय पहल है। और मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी कर्मियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे लोग जिस परिश्रम के साथ एक वर्ष से कार्य कर रहे हैं वे इसी प्रकार से प्रयास करेंगे तो सरकार उनके हितों को संरक्षण करने के लिए हर प्रकार से सहयोग करेगी, हर प्रकार का कदम उठाने में सरकार के स्तर पर भी पूरा प्रयास होगा। विगत एक वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कुछ अच्छे कार्य अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ हुए। जैसे प्रदेश ने जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तब प्रदेश पूरे देश के अंदर आवास निर्माण में 17वें नंबर पर था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है एक वर्ष के अंदर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख से अधिक आवास बनाकर उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर एक पर आया है। यह एक कार्य गरीबों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और ग्राम्य विकास विभाग नगर विकास विभाग ने जो प्रयास प्रारंभ किया है उस दिशा में प्रयास। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र एक साथ हम दोनों को अगर मिलाकर के देखेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान 80 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण, प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत परिवार को उनके घर में खुले में शौच से मुक्त के लिए जो अभियान चलाया था उसका परिणाम आया कि एक वर्ष में इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग सफल हुए। विद्युत के कनेक्शन की बात हो तो विद्युत के कनेक्शन में भी 46 लाख से अधिक विद्युत के कनेक्शन हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए। अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य इस दौरान प्रारंभ हुए, महिला हेल्पलाइन जो प्रोफेसर रीता बोगड़ा जोशी जी का ही विभाग है और उन्होंने रेस्क्यू वैन प्रत्येक जनपद के अंदर चला करके महिलाओं के कल्याण के लिए एक हेल्पलाइन 181 जारी करके उनके सामने घरेलू हिंसा से बचने के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए कार्य किया। अन्य तमाम अन्य कार्य हुए, टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश मिशन इंद्रधनुष में कई पीछे था। आज देश के जब पांच उन प्रमुख राज्यों की बात आती है जिन्होंने इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों से बचने के लिए नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए चलने वाले अभियान में आज उत्तर प्रदेश देश के 5 टॉप के राज्यों में नजर आता है जहां पर सफलतापूर्वक इस मिशन को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर एक पर आया है। और भी अन्य तमाम क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में तमाम प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। और यही नहीं, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हम बेहतर कर सकें, विगत वर्ष हम लोगों ने लखनऊ वासियों को मेट्रो की सौगात दी थी और इस वर्ष अपने राजधानी वासियों को एक आलमबाग इंटरनेशनल बस टर्मिनल कई सौगात निजी भागीदारी के आधार पर यहां प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आज विगत एक वर्ष के दौरान 1,20,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के बाद उनके नवीनीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने,
तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को डबल लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ। विद्युत वितरण में भेदभाव को समाप्त किया गया और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में मेट्रो जैसी सुविधा आज प्रदेश के अंदर 3 जनपदों में हम प्रारंभ करने में सफल हुए हैं। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में आने वाले समय में 3 अन्य महानगरों में मेट्रो की सुविधा प्रारंभ करने का विचार है, जिनमें कानपुर है, आगरा है, मेरठ है और फिर उसके बाद 3 अन्य में डीपीआर की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, झांसी है। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बेहतर परिवहन की सुविधा हम लोग प्रदेश के अंदर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आज इस अवसर पर जब एक साथ परिवहन निगम ने यह एक अच्छा निजी भागीदारी के आधार पर बस टर्मिनल का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। विगत वर्ष परिवहन निगम पूरे वर्ष भर पूरी सक्रियता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया। मुझे याद है बहुत सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बसें नहीं जा पाती थी। उन राज्यों के परिवहन मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करके प्रदेश के परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग ने एक नई पहल की। उत्तराखंड के साथ हमारा एमओयू हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, राजस्थान के साथ हुआ, हरियाणा के साथ हुआ और अन्य राज्यों के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इस एमओयू को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य इस दौरान हुआ है। यही नहीं, रक्षाबंधन के दिन विगत वर्ष परिवहन निगम एक प्रस्ताव लेकर के सरकार के सामने आया था कि हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन और बेटियां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें में मुफ्त में उस दिन उनकी सेवाओं का लाभ लें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक साथ 85,000 बहन बेटियों ने उस दिन रक्षाबंधन के दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं का उपयोग किया था। दिव्यांगों को भी नई नई सेवाएं दी गई। पहले दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में केवल उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सुविधा दी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यह व्यवस्था दी कि जहां तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें जाएंगी वहां तक हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में दिव्यांगों को पूरी सेवा, अपनी बस सेवा का उपयोग करने की पूरी छूट देंगे। दिव्यांगों को भी एक उपहार। पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें चलती हैं उस दिशा परिवहन निगम ने किया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सामने आगामी चुनौतियां भी हैं। जनवरी 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ का आयोजन होना है और प्रयागराज कुंभ की दिशा से बेहतर परिवहन सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को एक बार पूरी जवाबदेही के साथ जनता की सेवा के लिए प्रयागराज कुंभ में उतरना पड़ेगा और इस बात का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो निजी भागीदारी के आधार पर आलमबाग बस टर्मिनल का लोकार्पण हो रहा है, इस प्रकार के 21 नए बस स्टेशनों का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम निजी भागीदारी के आधार पर करने जा रहा है, जिनमें कौशाम्बी गाजियाबाद में, कानपुर सेंट्रल में, वाराणसी कैंट में, सिविल लाइंस इलाहाबाद में, विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ में, बरेली में, मेरठ में, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा में, ईदगाह आगरा, आगरा फोर्ट आगरा, अलीगढ़, रसूलाबाद, मथुरा, बुलंदसर, गाजियाबाद, भैंसाली मेरठ, रायबरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, चारबाग बस स्टेशन लखनऊ, जीरो रोड डिपो और गढ़मुक्तेश्वर, ये 21 अन्य जो बस स्टेशन है उनका विकास पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करने जा रहा है। इसके साथ साथ जिन बस स्टेशनों का निर्माण स्वयं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करने जा रहा है, कर रहा है, उनके पुनर्निर्माण का कार्य जिस पर करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है,
उनमें जनपद जालौन के उरई बस स्टेशन का, जनपद कुशीनगर में बस स्टेशन का, जनपद कासगंज के डिपो कार्यशाला का नवनिर्माण, जनपद अलीगढ़ के बस स्टेशन मसूदाबाद का नवनिर्माण, जनपद बुलंदसर के डिबाई बस स्टेशन में नवनिर्माण का कार्य, जनपद संत रविदास नगर में औराई बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद अंबेडकर नगर के टांडा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला का पुनर्निर्माण, जनपद गाजियाबाद के कोसामी बस स्टेशन के यार्ड एवं सेट का निर्माण कार्य, जनपद संत कबीर नगर में मैदावल बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद कन्नौज में बस स्टेशन छिपरा मऊ का पुनर्निर्माण, जनपद मुजफ्फरनगर में बस स्टेशन पुरकाजी का जीर्णोद्धार, जनपद अलीगढ़ में बस स्टेशन अतरौली का जीर्णोद्धार कार्य, जनपद पीलीभीत में बस स्टेशन बीसलपुर का जीर्णोद्धार, जनपद फरुखाबाद में बस स्टेशन कायमगंज का जीर्णोद्धार, जनपद हमीरपुर में बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला वार्ड का पुनर्निर्माण, बस स्टेशन बलिया का उच्चीकरण, जनपद गोंडा के मनकापुर में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद औरैया के दिव्यापुर में बस स्टेशन का निर्माण, जनपद मुरादाबाद के काठ में बस स्टेशन का निर्माण, जनपद बस्ती के रुधौली में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद हरदोई के संडीला और बागपत में बस स्टेशन का निर्माण, 23 अन्य स्वयं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। सचमुच एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया। यही नहीं, अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर से अयोध्या के बीच जो हमारी एक पौराणिक परंपरा के साथ हमें जोड़ता है बस सेवा का प्रारंभ शुभारंभ किया था, और उस बस सेवा के लिए एक बार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अच्छी बस की सेवा अयोध्या जनकपुर के बीच प्रारंभ की है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक और सुनहरा अवसर है जब उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण की जन्मभूमि को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस सेवा के साथ जोड़ने जा रहा है। वहां के स्वामी जी स्वामी स्वरूपानंद जी आज यहां इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की जन्मभूमि को बस सेवा के साथ जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके लिए स्वयं स्वामी जी यहां उपस्थित हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोंडा जनपद भगवान स्वामीनारायण की जन्मभूमि स्वामीनारायण छपिया के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ये नियमित बस सेवा के जोड़ने के साथ ही हम लोग बेहतर सेवा आने वाले समय में और स्वामीनारायण छपिया में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अन्य बेहतर परिवहन की सुविधाएं देने में सफल होंगे। एक बार पुनः आज के इस अवसर पर जब आलमबाग बस स्टेशन का यहां पर टर्मिनल, इस नवनिर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल का आज लोकार्पण यहां पर संपन्न हुआ है, मैं लखनऊ वासियों को और पूरे परिवहन निगम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परिवहन निगम इसी गति से आगे बढ़ते हुए प्रदेश में बेहतर परिवहन की सुविधा प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर उस यात्री को, नागरिक को, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए या उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य कार्य के लिए आना चाहता है, वह उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए या उत्तर प्रदेश में किन्हीं भी अन्य कारणों से जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हो आता है, हम बेहतर सुविधाएं देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवंदन वंदन स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और आइए, जिन्होंने इतने उपहारों के साथ हम सभी को आह्लादित किया और आज का ये दिन ऐतिहासिक दिवस बन गया। सभी को तोहफा देने वालों को हम लोग अपने दिल की गहराइयों से बस एक छोटी सी भेंट देकर उनको भी हम सम्मानित करते हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में निदेशक शालीमार कॉर्प लिमिटेड पीपीटी प्रोजेक्ट के हमारे निर्माता श्री खालिद मसूद जी, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने कर कमलों से ये छोटा सा उपहार देकर, भेंट देकर
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारे बीच में निदेशक के रूप में श्री कुरान सेठ जी, हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि जी के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को ये छोटी सी भेंट देकर उन्हें सम्मानित करते हुए श्री कुणाल सेठ जी, निदेशक शालीमार कॉर्प लिमिटेड, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आइए धन्यवाद ज्ञापन हेतु, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हमारे मंच का ये कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से हमारे बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 बसें और 40 परिवर्तन बसों का शुभारंभ किया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन हेतु हमारे बीच में श्री ब्रह्मदेव राम तिवारी। परम आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंचासीन अन्य मंत्रीगण, माननीय परिवहन मंत्री श्री सुदन देव सिंह जी, माननीय मंच पे आसीन अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आज के आलमबाग बस अड्डे के लोकार्पण के इस अवसर पर राज्य परिवहन निगम की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भूरी भूरी आभार और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में इसके उद्घाटन के और लोकार्पण के लिए समय निकाला और लखनऊ के इस गौरवशाली पहले अत्याधुनिक पीपीवी मॉडल पर निर्मित बस अड्डे को जनता को समर्पित किया, आपका भूरी भूरी धन्यवाद। अन्य सभी मैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का और